शुक्रिया जग्गू। तो का लिया, अब तो तुम्हें पता चल ही गया ना कि तुम भीम को कभी हरा नहीं पाओगे। आज भीम की किस्मत अच्छी थी इसीलिए जीत गया, नहीं तो सब जानते हैं कि मैं उससे बहादुर हूँ। जाजा, तुम में भीम जैसी ताकत नहीं है। ढोलकपुर का सबसे दमदार कुश्तीबाज मैं हूँ, मैं, और ये मैं तुम्हें तुम सबको दिखा कर ही रहूंगा। अरे वाह भीम, आओगे ना मुकाबले में? देखो ये कोई अल्लू खल्लू कंपटीशन नहीं है, जरूर आना, देखते हैं कितने पानी में हो तुम। अरे हाँ हाँ, जरूर आएंगे। डरपोक समझा है क्या? पहलवानपुर के पहलवानों का ढोलक बजा देंगे ढोलकपुर में, समझे? आओ तो सही, फिर होगा मुकाबला। बिल्कुल, अच्छी तैयारी कर लेना कीचक। स्वागतम, सुस्वागतम। पहलवानपुर राज्य की ओर से खेल में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों का और प्रेक्षकों का मान पूर्वक स्वागत है। इस हैरत अंगेज, दिल दहला देने वाले मुकाबले की खासियत ये है कि इसमें खिलाड़ी आपस में एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे, बल्कि दिए हुए कार्य को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। सभी तैयार? रेडी? एक, दो, तीन। लकड़ी का कुंदा बहुत भारी लग रहा है, सब उसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो देखिए, भीम ने दिमाग लगाकर कुंदे को उठाकर कंधे पर रख दिया है और तेजी से भाग रहे हैं सबसे आगे। कालिया और कीचक ने भी वही तरीका अपना लिया है, पीछे है बिरजू और मन्ना। अरे अब वो देखिए, बिद्दा का कुंदा गिर गया है और बिद्दा खेल से बाहर। भीम, कीचक, मन्ना, कालिया और बिरजू फिनिशिंग लाइन की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं और छिपरू का पूरा हाल है। अरे अरे अरे, कुंदा गिर गया, इसी के साथ छिपरू आउट। अरे वो देखिए, भीम ने लाइन पार कर दी है सबसे पहले। वाह बहुत बढ़िया भीम, वाह। ये सारे पहुंच गए हैं दूसरे दौर में। तो तैयार हो जाइए दूसरे दौर के लिए। सभी तैयार? एक, दो, तीन। गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं और ये क्या, भीम बहुत धीमी गति में है सबसे पीछे। क्या बात है बिरजू? अरे अरे रे, बिरजू, गाड़ी पलट गई पीछे और बिरजू हवा में, खेल से बाहर। बढ़ते रहो मन्ना भाई, बढ़ते रहो ऐसे ही। अरे अरे अरे, मन्ना, ओह, मन्ना भी खेल से बाहर। कीचक, काली और भीम आगे बढ़ रहे हैं, तेजी भी बढ़ गई है और वो देखिए, भीम सबसे आगे निकल चुका है और इसी के साथ तीनों सीमा पार कर गए हैं। भीम है सबसे बड़ा चैंपियन। तो दोस्तों, आज की हैरत अंगेज प्रतियोगिता में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए सबसे बड़ा चैंपियन बना है ढोलकपुर का भीम। फूटी कौड़ी,
दिखता नहीं मैदान में गेम चल रहा है? जानबूझकर मारा है तूने, बड़े आए खिलाड़ी, हॉकी में हमको हराएगा। चुप, बिल्कुल हराएंगे, क्या समझते हो तुम? अच्छा तो हो जाए चैलेंज। हाँ हाँ हो जाए, एक महीने के अंदर ही मैच होगा ढोलकपुर में, ठीक है? हाँ कहीं भी कभी भी, हम तो तैयार हैं। हॉकी में हमें हराएंगे। सबसे पहला सबक, स्टिक को मजबूती से पकड़ना, जैसे कि वो तुम्हारे हाथ का ही हिस्सा हो। दूसरा सबक, स्टिक की लंबाई और बॉल की स्थिति का सही अंदाजा लगाना। अब सब ये ध्यान में रखते हुए शुरुआत में बॉल को धीरे धीरे स्टिक से धक्का देते हुए आगे बढ़ते जाने की प्रैक्टिस करो। अरे भीम, ये कौन सा खेल है? क्रिकेट, बेसबॉल, हॉकी या? महाराज, हम हॉकी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अरे वाह, हॉकी, ये हॉकी से अचानक प्रेम क्यों? बताता हूँ महाराज, बताता हूँ। हमारे कोच और बिल्कुल कोच और खिलाड़ी भी और कैप्टन भी। स्वागतम स्वागतम सभी प्रेक्षकों का हार्दिक स्वागत। ढोलकपुर के मैदान में आज एक शानदार हॉकी मैच। पहली बार ढोलकपुर रॉयल्स वर्सेस पहलवानपुर राइडर्स, शानदार चैलेंजर्स ट्रॉफी के लिए। और ये मैच शुरू महाराज और कीचक के बीच। महाराज बॉल लेकर आगे, शानदार ड्रिबल, मगर छोटू मन्ना और जिब्रू ने उन्हें कवर कर लिया है। और ये सेल्फ गोल, पहलवानपुर स्कूप का बढ़िया उपयोग। पहलवान तेजी से गोल की तरफ, शॉट मारने की पोज में, मगर बॉल स्कूप, जब्बू का शानदार बचाव, लेकिन बॉल पार से टकरा कर अंदर। दूसरा गोल पहलवानपुर का। भीम गोल के करीब, बाएं कॉर्नर की तरफ नजर, गोल कीपर की बाएं को डाइव, और ये भीम का दाहिने कोने में नाजुक धक्का, और ये गोल। गोलकीपर खड़ा, और ये अफलातून स्कोर, 2-2 की बराबरी पर। पहला पेनल्टी स्ट्रोक भीम द्वारा। और ये शानदार गोल भीम द्वारा। दोनों टीम के एक एक स्ट्रोक बाकी, खेल का परिणाम इसी स्ट्रोक पर तय होगा। गोलकीपर टेंस, राजू स्ट्रोक लेते हुए 2 कदम पीछे से दौड़ते हुए आकर स्लाइस एक्शन से जोरदार हिट, गोलकीपर की छलांग, दाहिने कॉर्नर में बॉल, बाएं कॉर्नर की ओर गोल। जबरदस्त विचार राजू द्वारा, ढोलकपुर 4-3 से आगे। लास्ट स्ट्रोक मन्ना द्वारा, जग्गू के गोल बचाने पर ढोलकपुर की जीत पक्की। जबरदस्त तेजी से आती हुई बॉल, जग्गू का सर का इस्तेमाल, और ये गोलकीपिंग का शानदार प्रदर्शन। ढोलकपुर की शानदार जीत 4-3 से। आज के खेल का
बेहतरीन खिलाड़ी जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करने वाला अपने गोलकीपिंग द्वारा जब्बू।